गुड मॉर्निंग डी आई स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी घर पर ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू रीड योर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर एक्सरसाइज 1.3 इज डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इन प्रीवियस क्लासेस वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, एंड we also study about the in these properties, okay? इससे पहले वाली क्लासेज में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के लिए इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ और इंटीजर्स की जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन है इंटीजर्स के, वो सीखे और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना। एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर, सेकंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। नाउ टुडेज टॉपिक ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का डिवीज़न क्या होता है, इंटीजर्स के डिवीज़न को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, ए डिवाइडेड बाय माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाय बी, वेयर एज बी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, अगर ए इज़ डिवाइडेड बाय माइनस बी, ए को अगर हम माइनस बी से डिवाइड करें, इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाय बी, वेयर बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स किसी भी इंटीजर्स का जो डिवीज़न है उसको अगर हम, यहाँ पर दो इंटीजर्स लिए ए और बी, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो एक इंटीजर माइनस बी लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर्स लिया, अगर हम इसको डिवाइड करें और फिर इसका सिर्फ साइन चेंज करके डिवाइड करें तो दोनों वैल्यू क्या आती हैं, इक्वल आती हैं। पर कंडीशन क्या है कि वेयर बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। दैट मीन्स जैसे आपने 3/-4 लेंगे या फिर -3/4 लें, दोनों की वैल्यू सेम ही आती है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आता। तो बस ये कंडीशन है कि यहाँ पर बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। मीन्स बी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाता है तो वो अनडिफाइनाइट टर्म बन जाती है, इनफाइनाइट टर्म्स बन जाती है, जो कि डिफाइन नहीं की जा सकती। इसलिए हम इसके साथ कंडीशन लिखते हैं कि बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। अब प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं डिवीज़न की, जैसे हमने सभी की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर उसको एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये भी समझा कि ये इंटीजर्स पे फॉलो होंगी या नहीं होंगी, इंटीजर्स के लिए ये इस प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेंगी या नहीं करेंगी, सारे प्रॉपर्टीज़ हम सीख चुके हैं। तो इसी तरीके से प्रॉपर्टीज़ और डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स यहाँ पर पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इन जनरल फॉर एनी इंटीजर्स ए, किसी भी जनरल इंटीजर्स ए के लिए, अगर ए को आप 1 से डिवाइड करते हैं तो ए ही आता है। जैसे 3/1, 4/1 किया तो 4 आया, 5/1 लिखेंगे तो 5 आएगा। मतलब जो भी आप इंटीजर्स लेंगे उसको अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू विल बी सेम, वैल्यू इज़ कमिंग विल बी सेम। ओके, तो वैल्यू क्या आती है, सेम ही आती है। सेकंड, फॉर एनी इंटीजर्स ए, ए इज़ डिवाइडेड बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड। अभी मैंने आपको समझाया कि किसी भी इंटीजर्स ए के लिए ए इज़ डिवाइडेड बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड टर्म होती है। दैट मीन्स अगर आप 4/0 लिखें, ये जैसे 5/0 लिखा आपने, तो ये डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसको मैथमेटिक्स में डिफाइन टर्म्स नहीं बोलते, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, जो कि हम नहीं बता सकते कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसे जब भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो वो नॉट डिफाइंड टर्म्स कहलाती है। तो फॉर एनी इंटीजर से ए इज़ डिवाइडेड बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड, बट अगर इसके बजाय 0/5 आ जाए, ये तो इनफाइनाइट टर्म बनती है, पर अगर 0/5 आ जाए, न्यूमरेटर में 0 आ जाए, तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, 0। मतलब 0 में आप किसी से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू इज़ कमिंग विल बी 0, बट 5/0
अगर आप डिनोमिनेटर में जीरो लेते हैं तो दिस इज नॉट डिफाइंड टर्म, ओके। तो ये दोनों वैल्यू इस तरीके से लिखा है, तो इस तरीके से ये सेकंड प्रॉपर्टी है डिवीज़न की, कि डिवीज़न अगर हम किसी एनी इंटीजर्स ए के लिए अगर ए इज़ डिवाइडेड बाय जीरो लिखें तो इज़ नॉट डिफाइंड टर्म होती है, बट जीरो इज़ डिवाइडेड बाय ज़ीरो, फोर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पर ए क्या होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो अपॉन ज़ीरो भी क्या होता है, ज़ीरो होता है, नॉट। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स के लिए डिवीज़न प्रॉपर्टी है वो ज़रूरी नहीं है कि हर कंडीशन पर फॉलो करे। जैसे कि हमने सारी प्रॉपर्टीज़ को समझा कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उस ऑपरेशन पर फॉलो होंगी या नहीं होंगी, तो इसके लिए हमने सारी प्रॉपर्टीज़ समझी। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स के लिए डिवीज़न प्रॉपर्टी है वो उस पर फॉलो हो या नहीं हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाता है तो वो अनडिफाइनेड टर्म्स हो जाती है या नॉट डिफाइंड टर्म्स बन जाती है, तो उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो हर कंडीशन पर सेटिस्फाई नहीं होती, ओके। हियर वी राइट अ नोट, हमने यहाँ पर एक नोट लिखा है, साइन टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिविज़न। हमने यहाँ पर टेबल बनाई है, अगर ये टेबल आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेगी कि क्वेश्चंस में आप डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन करते वक्त जो साइन में कंफ्यूज होते हैं कि साइन क्या आएगा, आंसर में साइन क्या आएगा, तो उसके लिए आपके पास टेबल बनी हुई है मल्टीप्लाई और ये डिवीज़न की। यहाँ पर प्लस माइनस लिखा, यहाँ पर प्लस माइनस, सिमिलरली यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस। अब इसको पढ़ते कैसे, रीड कैसे करते हैं, प्लस इंटू प्लस, प्लस को प्लस से क्या करेंगे, इनटू, तो प्लस आएगा, ओके। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइन कमिंग विल बी माइनस, ओके। तो प्लस को प्लस से इनटू किया तो प्लस, प्लस इनटू माइनस, प्लस इनटू माइनस क्या आया, माइनस। इसी तरीके से माइनस इनटू प्लस, तो माइनस प्लस को इनटू करने पर क्या आएगा, माइनस। ऐसे ही माइनस इनटू माइनस प्लस, ओके। सिमिलरली डिवीज़न जब आप सॉल्व करेंगे डिवीज़न के क्वेश्चंस, तो प्लस और प्लस साइन क्या आता है, प्लस ही आता है। प्लस को माइनस से डिवाइड करने पर माइनस आता है, माइनस को प्लस से डिवाइड करने पर माइनस आएगा, और इसी तरीके से माइनस को माइनस से डिवाइड करने पर प्लस होता है, ओके। ये क्वेश्चंस में आपको समझाएंगे कि ये साइन किस तरीके से चेंज होते हैं, ये क्वेश्चंस में आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे और ये टेबल आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेगी। Now, we take a some questions of your exercise 1.3 here. Question 1, आपके exercise के questions start कर रहे हैं, all summary are completed in your exercise 1.3. हमने सारी जो थ्योरी थी वो समझ चुके हैं हम, अब हम exercise पर आ रहे हैं। Question 1, evaluate the each of the following. आप मेरे स्पेस कम है इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है, आप कंटिन्यूटी में नीचे लिखेंगे ये दोनों टेबल बनाने के बाद। क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन लिखकर, ये फर्स्ट क्वेश्चन पहले करेंगे, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसके जस्ट नीचे लिखेंगे। आप इस तरीके से नहीं करेंगे जैसे मैंने किया है, ओके। आप कंटिन्यूटी में क्वेश्चन फर्स्ट लिखकर उसके नीचे क्वेश्चन सेकंड अपनी कॉपी में कंटिन्यू करेंगे, ओके। नाउ हियर क्वेश्चन फर्स्ट, इवेल्यूएट द ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको इसकी वैल्यू इवेल्यूएट करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फिफ्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन लिया है हमने, 13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ऑफ माइनस टू प्लस वन। तो 13 डिवाइडेड बाय, सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, माइनस टू प्लस वन, माइनस टू और एक प्लस वन। आपको समझाया हुआ है जब भी एक साइन प्लस का होता है और एक माइनस का होता है तो संख्या सब्ट्रैक्ट होती है, बट साइन किसका आता है, ग्रेटर डिजिट का, ओके। तो एक माइनस एक प्लस थी तो माइनस हो गया, लेकिन माइनस किसके आगे लगा हुआ है, बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, माइनस के वन, ओके। तो 13 को आपने डिवाइड किया माइनस वन से, अभी आपको मैंने साइन समझाया, अगर हम प्लस को माइनस से डिवाइड करते हैं, प्लस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो साइन क्या आता है, माइनस। तो यहाँ पर आपके माइनस साइन आ गया, माइनस 13, क्योंकि 13 में डिवाइड करेंगे 1 का तो 13 ही आएगा, और साइन किसका जाएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस का है, ओके।
हियर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज ब्रैकेट ऑफ स्मॉल ब्रैकेट माइनस सिक्स प्लस फाइव लार्ज ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस टू प्लस वन. तो ये एक पूरी टर्म है क्योंकि ये लार्ज ब्रैकेट में क्लोज्ड है. इसी तरीके से ये पूरी एक टर्म है. माइनस सिक्स प्लस फाइव कितना हो गया, माइनस के वन डिवाइडेड बाय, फिर वापस यही वाली टर्म है जो कि अभी हमने ऊपर सॉल्व करी है, ये माइनस वन हो गया. अब माइनस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या बनता है, प्लस. देखिए माइनस को माइनस से डिवाइड किया तो प्लस आ गया. ओके, तो माइनस वन में माइनस वन का भाग दिया या डिवाइड किया तो वन आया, लेकिन माइनस से माइनस कट गया तो प्लस के वन इज आंसर. हियर वी टेक अ क्वेश्चन सेकेंड ऑफ योर एक्सरसाइज 1.3. वेरीफाई दैट ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी प्लस ब्रैकेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय सी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी. आपको ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी प्लस ए डिवाइडेड बाय सी. तो इस फंक्शन को आपको वेरीफाई करना है फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज. ए बी सी के आपको यहाँ पर वैल्यूज गिवन है, ये वैल्यूज इस वाले ऑपरेशन में पुट कर आपको ये वेरीफाई करना है कि ये जो टर्म है दोनों, ये दोनों इक्वल नहीं होती. तो हमने ये ऑपरेशन, यहाँ पर आपके पास वैल्यू है, फर्स्ट क्वेश्चन लिया है ए इजक्ल टू 12, बी इजक्ल टू माइनस 4, सी इजक्ल टू 2. ओके, तो ये तीनों वैल्यू लिए हमने यहाँ पर. अब हम LHS ले रहे हैं, यहाँ से हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया है. सॉल्यूशन में पहले LHS लिया, ये वाली LHS टर्म है, ये RHS टर्म है. LHS टर्म लिया A डिवाइडेड बाय B प्लस सी. अब आपके पास वैल्यू यहाँ पर है A इक्वल टू 12, B इक्वल टू माइनस 4, C इक्वल टू 2. तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू क्या है 12, डिवाइड एज इट इज. अब यहाँ पर लास्ट ब्रैकेट यूज़ किया क्योंकि B की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस. तो लार्ज ब्रैकेट यूज़ किया और ब्रैकेट में क्या लिख दी, बी की वैल्यू माइनस फोर, प्लस एज इट इज आया, सी की वैल्यू क्या है आपके पास 2, तो 2 लिख दी और क्लोज ब्रैकेट. 12 डिवाइडेड बाय माइनस फोर प्लस 2 कितना हो गया, माइनस के 2. अब 2 से 12 को डिवाइड किया तो कितना आता है आंसर, 6. तो 6 आ गया, लेकिन प्लस और माइनस क्या होएगा, माइनस, क्योंकि अभी आपको बताया प्लस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो साइन क्या आ जाता है, माइनस. ओके, तो ये माइनस साइन आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 12 को माइनस 2 से डिवाइड करने पर माइनस 6. इसी तरीके से हम RHS सॉल्व करते हैं, A डिवाइडेड बाय RHS क्या है, A डिवाइडेड बाय B प्लस A डिवाइडेड बाय C. ये हमने यहाँ पर लिख दी RHS, इसमें वैल्यू पुट करी, A की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय B की वैल्यू माइनस के 4 और लार्ज ब्रैकेट. लार्ज ब्रैकेट इसलिए यूज़ किया क्योंकि बी की वैल्यू माइनस है और बी की वैल्यू माइनस है तो उसे स्मॉल ब्रैकेट में लिख के फिर लार्ज ब्रैकेट यूज़ करना पड़ता है. प्लस यहाँ पर भी ए की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 2, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3, लेकिन साइन माइनस था इसलिए माइनस साइन आ गया. प्लस 12 को 2 से डिवाइड किया, 6. अब एक प्लस और एक माइनस है तो साइन क्या होगा, एक प्लस और एक माइनस पर सब्ट्रैक्शन होता है लेकिन साइन क्या आता है, बड़ी डिजिट का. ओके, तो सब्ट्रैक्ट हो गया लेकिन साइन किसका बड़ा था, 6 का, जो कि क्या है, प्लस, इसलिए प्लस के 3 आ गया. आप इधर देख सकते हैं कि हियर बोथ आर नॉट सेम सो वी कैन से दैट, यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही ना, ये माइनस 6 है और ये 3 है, और यही हमें प्रूफ करना था कि ये दोनों जो वैल्यू हैं वो नॉट इक्वल होती हैं. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नॉट इक्वल, मतलब ये आपको प्रूफ करना था कि जो दोनों वैल्यू आप सॉल्व करेंगे वो नॉट इक्वल आनी चाहिए. तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि यहाँ पर a डिवाइडेड बाय b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c, हैंस प्रूफ. यही आपको प्रूफ करना था. इसका सेकेंड पार्ट है वो आप खुद सॉल्व करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से. आई होप आपको आज ये लेक्चर में ये समझ में आए होंगे क्वेश्चंस और ये डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है एक्सरसाइज 1.3 की. डू द क्वेश्चन 1 to 5 ऑफ योर एक्सरसाइज 1.3 इन योर फेयर नोटबुक एंड डू प्रैक्टिस ऑफ CW वर्क ऑल्सो. ओके,
टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।